का पहला ठिकाना जुआ, दूसरा ठिकाना जहां शराब होगी वहां कलयुग होगा, और कलयुग होगा तो विनाश करेगा। द्यूतम पानम स्त्रिया, कलयुग का तीसरा स्थान है चरित्रहीनता, चरित्र व्यभिचार। स्त्रियां आज कुछ व्यभिचारी हो गई, पुरुष कुछ व्यभिचारी हो गए, ऐसे व्यभिचारी स्त्रियां और व्यभिचारी पुरुषों से बच के रहना। जो स्त्री, जो पराए पुरुष और पराए स्त्री में उलझ गया वो अपना सर्वनाश कर लेगा। क्या करेगा अपना? इसलिए पर स्त्री पर पुरुष से बच के रहना है। जहां फंसे बताओ, पराई नारी में फंस गया रावण, सर्वनाश हुआ कि नहीं? तुम फंस जाओगे, तुम्हारी क्या गति होगी राजा बाबू? इसलिए बच के रहना रे बाबा। और कलयुग का चौथा स्थान है मांस। मांस, आप में से कितने लोग मांस खाते हैं? अंडा, मुर्गी, मछली, बकरा, बकरी, कितने लोग खाते हैं मांस? जो खाते हैं वो हाथ उठा सकते हैं। हाँ, मांस खाने वाले ज्यादा हैं। मैया आप भी खाती हो मांस? खाती हो मैया? गुलाबी मैया खाती हो? क्या खाती हो? मछली, बकरा, बकरी, गाय, भैंस, आदमी, क्या? मांस। अब बताइए, मांस खाना सही है या गलत है? सही है या गलत? एक बात बताओ, मछली जब तड़पती है पानी से निकलने के बाद तो वो आपसे अपने प्राणों की भीख मांगती है कि नहीं? बोलो हाँ। वो आपसे तड़प तड़प कर कहती है, मैंने क्या बिगाड़ा है तेरा, क्यों मेरे प्राण छीन रहे हो? अरे क्या आप लोगों के पास खाने के लिए दाल चावल सब्जी रोटी नहीं है? अरे हम भी तो दाल चावल सब्जी रोटी खाकर जिंदा है। काजू बादाम खाओ, फल फूल खाओ, क्या नहीं है हमारे यहाँ खाने को? जब नहीं था तब आप लोगों ने मछली खाई, ठीक था। अरे आज तो आप लोगों के पास साग सब्जियां भरपूर हैं, फिर क्यों अपना धर्म बिगाड़ते हैं? किसी की हत्या करना सही कैसे हो सकता? इसलिए मेरी माँ, किसी के प्राण, हम सनातनी हैं, हम वो लोग हैं कि हम किसी के प्राणों का दान करते हैं, हम किसी के प्राणों की रक्षा तो करते हैं, हम किसी से प्राणों की, उसके प्राणों का बलिदान नहीं लेते। अपने स्वाद के लिए हम किसी के प्राणों को नहीं ले सकते। बताइए, किसी के प्राणों को लेना अपने स्वाद के लिए सही है? मैया बताओ, मेरी माँ, ओ मेरी प्यारी मैया बताओ, गुस्सा हो गई क्या मेरी माँ? ओ पीली मैया, गुलाबी मैया बताओ, क्या किसी के प्राणों को लेना अपने स्वाद के लिए सही है मेरी माँ? फिर क्यों मेरी माँ आप क्यों खाती हो? आप तो स्त्री हो, आपके अंदर तो दया है। बताओ, जितने प्राण आप लोगों को अपने प्राण प्यारे हैं, इतने ही प्राण मछली को भी तो प्यारे होंगे अपने, हैं या नहीं? मुर्गी को भी तो अपने प्राण प्यारे होंगे। जब आप उसे पकड़ते हैं, चिल्लाती है, चीखती है मुर्गी, बेचारी मछली तड़पती है, और आप उसे खा जाते हैं, कि आप लोगों के पास दाल चावल सब्जी रोटी नहीं है? है, जो खाने को दिया ईश्वर ने वो खाओ। बताओ, श्री चैतन्य महाप्रभु क्या खाते थे ये मछली इत्यादि? जब तुम्हारे आचार्य चरण जो रास्ते पर नहीं चले, वो रास्ते पर तुम क्यों चल रहे हो? अरे बंगाल के भक्तों को कम से कम श्री चैतन्य महाप्रभु के आचरणों को जीवन में उतारना चाहिए। जिस रास्ते पर वो चले हैं, आपको और हमें चलना चाहिए।